हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरा चैनल प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर मिलते हैं मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन टेक्निक जो काफी सिंपल और इफेक्टिव। दोस्तों, पब्लिक डिमांड पर व्यूअर्स ने कमेंट्स किया है, लिखा है कि सर पंच पे वीडियो लेकर के आइए कि मार्शल आर्ट में कितने तरह का पंच होता है, किस तरह का पंच चलाते हैं और पंच को कैसे सही ढंग से पावरफुल ढंग से हम यूज करते हैं, कैसे बताते हैं, उसके बारे में बताना। दोस्तों देखिए, पंच को सबसे पहले यहां पे देखिए, आप फिंगर्स को इस तरह से आप ऐसा मोड़ते हैं, यहां पे ऐसे, फिर इसको ऐसा मोड़ते हैं और ये अंगूठा यहां पे बीच में आ गया इस तरह से, तब ये जाकर के फिस्ट बना, पंच बनाइए ऐसा। तो देखेंगे ये चीज, ये पंच करते वक्त ध्यान रखेंगे पंच पूरी तरह से बंद हो, और पावरफुल पंच के लिए आपको ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये ध्यान। कई लोग पंच को ऐसे कर देते हैं, कई लोग ऐसे कर देते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, नहीं, पंच सीधा होगा, ये दोनों निकल से पंच अटैक करना है और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और शोल्डर को, दूसरा पॉइंट, शोल्डर ब्लॉक हो गया, इस तरह से सीधा नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, शोल्डर को पीछे नहीं ले जाएंगे, ऐसा पंच करते वक्त ये शोल्डर लॉक होगा, ध्यान रखिएगा। तीन पॉइंट मैंने बताया, पहला पंच कैसे बांधना है, पंच को बांधते वक्त ये ध्यान रखेंगे आप कि फिस्ट को सीधा मारेंगे, ये दोनों निकल पे अटैक करना है, निकल से ये 90 डिग्री होगा, ये झुका हुआ नहीं रहेगा ना ऊपर रहेगा, इसको ध्यान में रखना है, ये 90 डिग्री होगा, शोल्डर लॉक होगा पूरी तरह से, बॉडी को लॉक करके रखना, शोल्डर को लॉक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टारगेट, कि कहां पे मारना है पंच को, किस जगह पे मारना है, उसका टारगेट होना चाहिए। तो पंच को कहां कहां अटैक कर सकते हैं, फेस पे अटैक करना है आपको, चिन पे अटैक करना है और स्टमक पे अटैक करना है, ये ध्यान रखिए। अलग अलग मार्शल आर्ट में अलग अलग तरह, लेकिन मैं कराटे की बात कर रहा हूं तो फेस अटैक है, स्टमक अटैक है, लेकिन यदि आप रोड फाइट के करते हैं तो आप लोअर पंच करेंगे, ग्राउंड में भी पंच कर सकते हैं इस तरह के पंचेस। तो आप जब टारगेट करेंगे तो आप देखेंगे घर में जब आप प्रैक्टिस करो, मतलब कि ये दीवार है, देखिए ये दीवार में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो अपने फेस लेवल पे, एक फेस लेवल पे ऐसा गोल सा आप घेरा बना लेंगे और दूसरा स्टमक लेवल पे ऐसा गोल सा चीन बना करके, फिर सामने से खड़ा होकर के ऐसा ये चीज इस तरह से, ये इसी के बीच में ये गोल है, इसी के बीच में आप पंच करेंगे ऐसा, ये चीज ये इस तरह से स्टमक लेवल पे होगा, फिर स्टमक लेवल पे आकर के आप ऐसा बना करके ये इस तरह से आप इस तरह से पंच करते हैं। एक ही पंच को एक टारगेट पर लगातार आप दो तीन चार पंच करते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, मर सकता है, बहुत ही पावरफुल पंच होता है। दूसरा है कि पंच में स्पीड लाने के लिए आपको सांस से जब ले रहे हैं तो नाक से सांस लेंगे, मुंह से नाक सांस छोड़ेंगे, तो मुंह से जब आप सांस को बाहर फेंकेंगे तो पूरा पेट की नाभि से अंदर से सांस बाहर आना चाहिए इस तरह से, पूरी तरह से, ताकि आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाए और जब आप पंच करें और दुश्मन आपके पेट पर अटैक करे तो आपको जरा सा भी चोट नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप पेट में सांस भरे हुए हैं और आप पंच दुश्मन आपका पेट पे करता है आपको चोट लग सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट पे आप ध्यान रखिए, पंच को जब आप करते हैं तो कराटे में दो तरह के पंच यूज किए जाते हैं, एक इस तरह से ऐसा खड़ा होकर के मारते हैं इस तरह से, जैसे कि जमे जुटी करते हैं ऐसा करके ये पंच करते हैं, ये चीज ऐसा, ये चीज, और दूसरा रिवर्स पंच ऐसा, लेग लेफ्ट लेग राइट हैंड ऑपोजिट होगा, ये लॉक होगा इस तरह से, आप देखेंगे एक साथ ये दोनों एक साथ ये एक साथ, तो इस तरह से पंच करते हैं। उसके बाद इसे बढ़कर भी करते हैं, बिगनर्स जब शुरुआत में सीखते हैं तो मैं अगले जब व्हाइट बेल्ट के लेकर के आऊंगा कोर्स उसमें बताऊंगा, येलो बेल्ट का लेकर के आऊंगा उसमें बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूं दूसरा मार्शल आर्ट में और किस तरह के पंचेज यूज किए जाते हैं, जैसा हुक पंच, जैसा ऐसा
ये चीन पे यहां पर मारते हैं, पंच को इस तरह से बांध करके और इस तरह से बॉडी को ये ध्यान रखना है, ये यूज करना है, ऐसा यूज करना है। पंच मारते वक्त ध्यान रखेंगे, सामने से करेंगे ताकि बॉडी को ट्विस्ट करेंगे हर पंच में, आप ये भी चला रहे हो तो बॉडी को ध्यान रखेंगे लॉक करें। जब पंच मार रहे हो तो इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे ताकि अपोजिट से पंच आ रहा हो तो आपके चेस्ट में ना लगे, ऐसा करेंगे ताकि सामने से इस तरह से ऐसा ये। और दूसरा अभी जो मैं बता रहा हूं पंच, ये वन ये ऐसा चीन, इसी को आप पेट में ही मार सकते हैं ऐसा ये ऐसा। तीसरा इसी पंच को आप रिब्स में मारते हैं तो ऐसा पोर्शन घूम जाता है, हाथ को ट्विस्ट कर देते हैं ऐसा, और ये चीज ये चीज इस तरह से रिब्स पर अटैक करते हैं तो दुश्मन का रिब्स टूट जाता है। तीसरा है इस तरह से, इस तरह का पंच सामने से ये बॉक्सिंग में डायरेक्ट पंच करते हैं, सामने से सर करके ये पंच किया जाता है, ये ऐसा सामने रहता है ये इस तरह से। तीसरा उराकेन, ये दोनों फिस्ट से इस जगह पे ऐसा मारते हैं, इस तरह का यूज करते हैं, इस तरह का दोनों साइड से जैसे उराकेन कहते हैं। तो दोस्तों ये विंगर्स के लिए है, फिर मैं एडवांस पंच का प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि लोग घर बैठे सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख सके और दुश्मनों को सबक सिखा सके। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए ताकि अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन दबाना कभी ना भूले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, वैसा वीडियो लेकर के मैं आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।